इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मुस्लिम नौजवान आगे होके खुद होके भूमिका रखता है, वो कोई बड़ा लीडर नहीं है, लेकिन उसकी भूमिका एक मुस्लिम समाज में नवयुवक के दिल में क्या चल रहा है, ये प्रतीकात्मक रीतिया प्रतिमात्मक तरीके से अपने को समझ में आता है। और शायद उसीलिए उद्धव जी ने उनसे बात की है, और बात की है तो बात के बाद उनको उन्होंने कहा है कि ऐसे विचार रखते हुए कोरोना से लड़ने के लिए संभाजनगर में भी आप जोरों से सब मिलके साथ में काम करना चाहिए, और शायद वो भी करेगा। अच्छा आदमी लगा मुझे, अच्छा लड़का लगा, आगे भी हम उसको शिवसेना में आएंगा नहीं आएंगा उससे मुझे लेना नहीं, लेकिन अपने शहर के, अपने जिले के, अपने महाराष्ट्र के लिए वो 100% साथ में रहेगा और उसको लेंगे हम साथ में, ये भी बोलता हूँ। हाँ, कोरोना से शहर में अभी 50% लोग हो गए हैं। शुरुआत में सिर्फ एक ही पेशेंट था अपना, एक महीना कोई दूसरा पेशेंट नहीं आया था, लेकिन जब से दूसरा तीसरा चौथा शुरू, रोज 2, 3, 4, 5 ऐसे पेशेंट बढ़ रहे, ये स्थिति बड़ी घातक है। अब ये सब संसर्ग से हो रही है। रेड जोन आने से डेवलपमेंट में भी अपन पीछे रह सकते हैं। जो ग्रीन जोन है उसके लिए गवर्नमेंट कुछ रियायतें देना चाह रही है, देने वाली है, लेकिन अगर कंटिन्यू अपन रेड जोन में रहे तो अपने को घर में ही बैठना पड़ेगा, कब तक बैठना पड़ेगा ये नहीं बोल सकते। इसलिए सबको विनंती करूंगा मैं कि अपना शहर जल्दी से जल्दी ग्रीन जोन में आना चाहिए, उसके लिए प्रशासन के रूल फॉलो करना चाहिए, उसके लिए बाहर घूमना नहीं चाहिए, जो लक्ष्मण रेखा कहते हो लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आना चाहिए, और शायद ये जब होगा तभी अपन ग्रीन जोन में आएंगे। ग्रीन जोन में आए तो अपना सब कारोबार शुरू होगा, रोजगार शुरू हो जाएगा, नहीं तो अभी स्थिति बड़ी भयानक है, बेरोजगारी की स्थिति है, भूखमारी की स्थिति निर्माण हो सकती है, उसके लिए कोरोना को अपने को रोकना पड़ेगा, और रोकने के लिए सबने साथ होके लड़ना पड़ेगा ऐसा मुझे लगता है। एक्चुअली क्या होता है कि हर किसी की दो जिम्मेदारी होती है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत मुझे ऐसा लगा कि जब एक राज्य का मुख्यमंत्री इतने बिकट परिस्थिति में भी सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए ये जो जहर अपने महाराष्ट्र में कुछ लोगों के जरिए घुलाया जा रहा था, कुछ लोगों की तरह अफवाह पसरा के एक ही जमात को टारगेट किया जा रहा था और एक ही मजहब को टारगेट किया जा रहा था, इन सब चीजों से बाहर निकलने के लिए जिस तरीके से उद्धव ठाकरे साहब ने वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लाइव में कहा कि आप कोई भी इस बीमारी को जातीय रंग ना दो, इस बीमारी से लड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, और इस मुश्किल घड़ी में भी वो आदमी बार बार ये कहते थे कि ये पॉलिटिक्स का वक्त नहीं है, ये राजकारण का वक्त नहीं है, ये वक्त है मिलकर इस चीज को लड़ने का। तो कहीं मुझे ऐसे लगा कि यार जब एक आदमी इतना डाउन टू अर्थ होके इस महाराष्ट्र को बाहर निकालने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोल के मैंने कम से कम अपनी फीलिंग्स तो भी लोगों के सामने रखनी चाहिए कि एक मुस्लिम होने के नाते कई बार ऐसा देखा गया है कि पिछले 25-30 सालों से कई बार कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी शिवसेना को लेके बहुत से लोगों के दिलों में, लेकिन जब हमने इस नेतृत्व को देखा, इस लीडरशिप को देखा, काम करते हुए हर एक मजहब का ख्याल रखते हुए, मैंने ये एक ही मैसेज दिया है उद्धव ठाकरे साहब को और सभी महाराष्ट्र को कि इस कोरोना के जंग में सभी मजहब उनके साथ है। इस महाराष्ट्र के 11 करोड़ जो आवाम है, ये जनता है, यहाँ के सभी मुसलमान सभी उद्धव ठाकरे साहब के साथ और इस सरकार के साथ खड़े हैं इस जंग से लड़ने के लिए। हमको सरकार की हर एक सूचना मान्य है और हमारे ओर से इंशाअल्लाह ताला जितनी भी कोशिश हो सकती है हम करते हैं। इवन हम लोग नमाजों में दुआ कर रहे हैं अभी रमजान में कि अल्लाह ताला इस महाराष्ट्र को, इस द्वेष को कोरोना मुक्त करे और उद्धव ठाकरे साहब को और शक्ति दे इससे लड़ने के लिए। मतलब कल तो हमने दुआ भी की घर पे बैठ के। जी जी, मेरी बात हुई उद्धव ठाकरे साहब ने कहा, बहुत ही सिंपलिटी है। पहले तो मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि खुद सीएम साहब मुझसे बात करेंगे, उन्होंने बात की, उन्होंने बहुत ही सिंपलिटी में मुझसे कहा कि अरे क्यों तारीफ कर रहे हो मेरी, आप लोगों की वजह से ही सब कुछ है, मैं कुछ अलग नहीं हूँ, आप लोगों में से एक हूँ। तो बहुत अच्छा लगा कि इतने बड़े पद पे एक आदमी होने के बावजूद भी कोई भी घमंड नहीं है या कोई भी ऐसा स्पेशल फीलिंग नहीं है, बिल्कुल सिंपलिटी से एक कॉमन आदमी से बात करता है, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि आप लोग सब साथ रहो, खड़े रहो, इंशाल्लाह हम जरूर इस जंग को जीतेंगे। बहुत ही सिंपलिटी में उन्होंने बात करके कहा कि वहाँ पे औरंगाबाद संभाजीनगर में जो है अच्छे से काम चल रहा है, कोई भी वातावरण आप डिस्टर्ब मत होने दो। यहाँ के जो आमदार है अंबादास जी दानवे साहब, कहा कि ये सब लोग मिलके
आप लोग इस जंग के खिलाफ लड़ो ताकि हम जल्दी इससे बाहर आ जाए। और मैं स्पेशली दानवे साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरे जैसे एक छोटे आदमी को, एक कार्यकर्ता को साहब ने रात में 12 से 1 बजे तक ढूंढा। उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, जैसे उनको पता चला कि मेरा वीडियो वायरल हुआ है तो रात में 12 बजे उनका मेरे को फोन आया और बोला कि मैं अहमदास दानवे बात कर रहा हूँ। तो मेरे को लगा कि कोई दोस्त है जो मजाक कर रहा है कभी मेरा, क्योंकि अहमदार साहब जैसी बड़ी शख्सियत अपने को क्यों फोन करेगी। लेकिन जब उन्होंने कहा कि तेरा वीडियो CM साहब तक पहुँचा है और मेरे को भी पर्सनली अच्छा लगा और मैं तेरे से मिलना चाहता हूँ, तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि बहुत अच्छे लोग हैं जो अच्छे विचार को सपोर्ट करते हैं।